बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री ब्रिज कोर्स लेके आए हैं, जो सत्र 2022-23 के लिए है। इसमें विषय संस्कृत बताएंगे और कक्षा 6 के लिए है। तो चलिए देखते हैं हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय संस्कृत कक्षा 6वीं के लिए और सत्र कौन सा है आपका 2022-23। यह पुस्तक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। आज इसमें हम चित्र कथा देखेंगे। क्या देखेंगे? चित्र कथा। ये चित्र में कथा दी हुई है, यहाँ इसके आधार पर हम पढ़ेंगे। सबसे देखिए, चित्र दी है और चित्रों में पक्षी है, कौवा है। अब इसमें क्या दिया? एकह काकह। क्या कहा? एकह काकह, एक कौवा है। एकह काकह यानी एक कौवा है। काकह श्याम वर्णः, कौवे का वर्ण यानी कि रंग कैसा है? कौवा काले रंग का है। एक हंस, एक हंस है, हंस श्वेत वर्णः, हंस का सफ़ेद रंग का है। हंस कैसा है? श्वेत यानी सफ़ेद रंग का है। काकह हंस इव श्वेत वर्णः भवितु इच्छाति, सह स्नानम करोति। देखिए इसमें कहा है काकह, काका मीन्स कौवा, हंस के समान सफ़ेद होना चाहता है। इव श्वेत वर्णम भवितु इच्छति, यानी कि कौवा किसके समान? हंस के समान सफ़ेद होना चाहता है। सह स्नानम करोति, सह स्नानम करोति यानी वह स्नान करता है। फिर दिया है तथापि काकह श्वेता न भवति, तथापि काकह श्वेता न भवति, तब भी कौवा, तथापि यानि तब भी काका यानि कौवा श्वेत न भवति यानि कि सफ़ेद नहीं होता है। फिर दिया काका पाषाण खंडेन सह शरीरम सौ शरीरम घस्यति वारम वार च स्नानम करोति। कौवा पाषाण खंडेन मीन होता है पत्थर, और काका यानि कौवा तो हो गया, पाषाण खंडेन यानि क्या हुआ? पत्थर। सह शरीरे घस्यति बारंबार, यानी अपने शरीर को किससे? कौवा पत्थर के टुकड़े से अपने शरीर को घिसता है। बारंबार यानी बारंबार यानी होता है बार बार, च स्नान करोति बार बार स्नान करता है। पुनः पुनः घस्यति, पुनः पुनः घस्यति यानी क्या हो गया? बार बार उसे फिर घसता घिसता है। इसके आगे देखते हैं फिर, तथापि श्वेत न भवति, फिर भी तब भी वह सफ़ेद नहीं होता। तो यहाँ पे कौवा और हंस के बारे में आपको बताया गया है। एक कौवा था जिसका रंग कैसा था? काला था। एक हंस था उसका रंग कैसा? सफ़ेद था। काक यानी कौवा हंस के जैसे सफ़ेद होना चाहता है, वह बार बार नहाता है, फिर भी क्या होता है? सफ़ेद नहीं होता। तो वह एक पत्थर से अपने शरीर को घसता है बार बार और स्नान करता है, फिर भी वह सफ़ेद नहीं होता। ये चित्रकथा थी। ये चित्रकथा हमने संस्कृत में बताया और उसका हिंदी अनुवाद बताया। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आगे शिक्षक गतिविधि थी और निर्देश है, उसे आप देख लेंगे। अभ्यास कार्यम क्या दिया है? देखिए अभ्यास कार्यम पे हम जोर देंगे। उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर कुछ क्या दिए हैं? पद दिए हैं जैसे श्वेत वर्णा काकह एकह श्वेत बारंबार, और उसमें यहाँ पे जो खालिस्तान जगह है उसे पूरी करना है। खालिस्तान काकह, खालिस्तान काकह यानी कि एक काकह एक कौवा। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आ जाएगा? एकह। इसमें क्या आ जाएगा आपका? एकह आ जाएगा। खालिस्तान श्याम वर्णम, आपको मालूम है अभी हमने आपको बताया श्याम वर्णन किसका था? काकह। श्याम यानी काला रंग किसका है? काका यानी कौवा का। हंस खालिस्तान, हंस कैसा है? श्वेत वर्णम सफ़ेद रंग है, वर्ण यानी रंग। काका खालिस्तान स्नानम करोति, काका खालिस्तान स्नानम करोति यानी कौवा खालिस्तान स्नान करता है बारंबार, वारम यानी बार बार स्नान करता है। ड नंबर देखिए। तथापि खालिस्तान न भवति, तथापि यानि फिर भी, तथापि यानी तब भी खालिस्तान न भवति यानि श्वेत न भवति, फिर भी वह सफ़ेद
नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर एक में जो उचित पद चेत व रिक्त स्थान भरने को कहा था, यानी उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करने को कहा था, वो हमने आपको यहाँ पूर्ति करके बताया। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या कहा है, दूसरे नंबर में कहा है एक पदेन उत्तराणि वदत्, यानी छात्रों से एक पद में उत्तर पूछें। जैसे उदाहरण के रूप में आपको दिया है क श्याम वर्णम, किसका श्याम वर्णम यानी काला रंग है, तो उत्तर में आपको मात्र क्या देना है काका। जैसे क नंबर कह श्याम वर्णम तो उत्तर हो गया काका। कह श्वेत वर्णम यानी किसका सफ़ेद रंग है, तो हंस। कह स्नान करोति, कौन स्नान, सह स्नान करोति, कह स्नान करोति, कहा इसमें कह स्नान, कौन स्नान करता है काका, क्या आ जाएगा कह स्नान करोति। तो यहाँ पे हमने सह बताया है, आप उसको क्या लिख सकते हैं काका लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं और काका, अभी हमने यहाँ पढ़ के बताए थे ना कि कौन स्नान करता है, सह स्नान करोती यानी काका स्नान करोती, यहाँ क्या आ जाएगा आपका काका। कह सफेद ना भवती, कौन सफेद नहीं हो रहा है काका। काका केन सौ शरीरम घस्यन्ति, यानी काका कौवा कौन किससे अपने शरीर को घिसता है, तो पाषाण खंडे लेने की जो पत्थरों से। इस प्रकार यहाँ पे आपका जो एक पद उत्तराणी दिया था यह पूर्ण होता है। स्वयं शिक्षक माध्यम यानी माध्यम से एक लघु चित्र कथा निर्माण को उतारने के, अपने शिक्षक की सहायता से एक लघु चित्र कथा का आप निर्माण कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, अभी तक हमने एक क्या बताए थे चित्र कथा बताए थे, अब सुक्तय, सुक्तय पढ़ेंगे हम। सुक्ति श्लोक का एक ही भाग है, सुक्ति क्या है एक श्लोक का एक भाग है जिसमें जीवन का सार होता है, छोटे से वाक्य में ही संपूर्ण बात हो जाती है, उसे सुक्त कहते हैं या सुक्ति कहते हैं। जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते को हिंदी में यानी क्या होता है, इसका अर्थ सत्य की ही विजय होती है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। विधा ददाति विनियमम, विधा विनय देती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों को सभी जगह पूजा जाता है। ना मातु परम देवतम, माता से बड़ा कोई देवता नहीं है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सुक्ति श्लोक का एक ही भाग होता है जिसमें जीवन का सार होता है, छोटे से वाक्य में संपूर्ण बात हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये पांच सुक्तियाँ बताए आपको, सत्यमेव जयते मीन्स सत्य की ही विजय होती है, अहिंसा परमो धर्मः, तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं सुक्तियों को। अब इसके आगे क्या दिया है, अभ्यास कार्यम दिया है, रिक्त स्थान पूर्यत खालिस्तान जयते, तो आप क्या जाएगा सत्यमेव जयते। फिर ख नंबर अहिंसा खालिस्तान धर्म, अहिंसा परमो धर्म, खालिस्तान विद्या ददाति, विद्या ददाति विनियम, विद्या सर्वस्व खालिस्तान, तो विद्या सर्वस्व पूज्यते। न खालिस्तान परम देवतम, तो मातु आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से खालिस्तान भर दिया आपको। इसका नंबर दो देखिए, कोष्ठकात शब्द चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि कोष्ठक में दिए गए सही शब्द को भरना है। खालिस्तान एवं जयते, सत्यमेव जयते, विद्या ददाति खालिस्तान, तो विनियम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या आ गया सत्यमेव जयते, यहाँ पे विनियम आ जाएगा। विद्वान खालिस्तान पूज्यते, तो सभी जगह पूछा जाता है, तो इसलिए क्या आएगा सर्वस्त्र। ना खालिस्तान परम देवतम, तो यहाँ पे आ जाएगा मातु। अहिंसा परमो खालिस्तान धर्मः। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ दो नंबर के प्रश्न का रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। इसका नंबर तीन देखिए, युग्म मेलम कुरुत, यानी कि आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। विधा, विधा क्या करती है हमें, विनय विनियम, विद्या विनियम, विद्वान को पूजा जाता है, सत्यमेव जयते, मातु देवतम और अहिंसा धर्मः। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में ही दें, उदाहरण आधराणे निम्ना शब्दान पृथक कुरुत। इस प्रकार शिक्षक गतिविधि और उसके निर्देश दिए गए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। शिक्षक द्वारा छात्रों को विधा विनय सत्य धर्म और गुणों
का छात्र जीवन में महत्व समझाएं, अपने माता पिता और भाई बहन का सम्मान करने के लिए प्रेरित करें गुरु को। इस प्रकार से यहाँ पे आपका यहाँ पे जो चित्रकथा सूक्तक से बताएं, चित्रकथा में काका की चित्रकथा बताएं। यदि आपको ये समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।